नोमैडलैंड ने ऑस्कर्स 2021 में सर्वाधिक 3 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। ये एक ऐसी मेडिटेटिव फिल्म है जो कि न सिर्फ देखने में बेहद खूबसूरत है बल्कि असल में धीमी गति की एक सिनेमाई कविता है जिसमें खूबसूरती और उदासी साथ साथ बहती है। 60 पार की एक महिला अपना सब कुछ खोने के बाद नोमैड बनकर एक वैन को अपना घर बनाती है और खुद को दोबारा खोजने की यात्रा पर निकलती है। अमेरिकी पूंजीवाद से लेकर अमेरिकी बाजारवाद तक की आलोचना करने वाली ये इंडिपेंडेंट फिल्म अमेरिका के उन नोमैड्स की दुनिया हमें दिखाती है जो बकौल एक किरदार डॉलर की गुलामी नहीं करते हैं। इस फिल्म को बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जीतने वाली फ्रांसिस मैकडॉरमेंट के उत्कृष्ट अभिनय के लिए भी जरूर देखिएगा। उन्होंने बेहद सटल, बेहद नियंत्रित और अथाह ठहराव वाले अपने अभिनय के सहारे मुख्य किरदार के अकेले खाली जीवन को जैसे आत्मसात करके पर्दे पर जिया है।